राम की नगरी अयोध्या में भव्य मंदिर बनकर तैयार है। अब बस प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है। भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि रही है। ये पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। ये राम जन्मभूमि है। इस राम जन्मभूमि पर एक भव्य राम मंदिर भी था जिसे तोड़ दिया गया था। आइए जानते हैं कि वह भव्य मंदिर किसने बनाया और कैसा था वह मंदिर। शोध के अनुसार पता चला है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में ये मनाया जाता है। अगस्त 2003 में पुरातात्विक विभाग के सर्वे में कहा गया कि जहां बाबरी मस्जिद थी वहां मंदिर होने के संकेत मिले हैं। भूमि के अंदर दबे खंबे और अन्य अवशेषों पर अंकित चिन्ह और मिली पॉटरी से मंदिर होने के सबूत मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हर मिनट की वीडियोग्राफी और स्थिर चित्रण कराया गया। इस खुदाई में कितनी ही दीवारें, फर्श और बराबर दूरी पर स्थित 50 जगहों से खंभों के आधारों की दो कतारें पाई गई थी। एक शिव मंदिर भी वहां पर दिखाई दिया था। GPRS रिपोर्ट और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट अब उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड में दर्ज है। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित ढांचे के संबंध में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था। न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति SU खान ने एक मत से माना कि जहां रामलला विराजमान हैं, वहीं श्री राम की जन्मभूमि है। अयोध्या पहले कौशल जनपद की राजधानी थी। वाल्मीकि कृत रामायण के बाल कांड में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वाल्मीकि रामायण में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। रामायण में अयोध्या नगरी के सरयू तट पर बसे होने और उस नगरी के भव्य और समृद्ध होने का उल्लेख भी मिलता है। वहां चौड़ी सड़कें और भव्य महल थे, बगीचे और आम के बाग थे और साथ ही चौराहों पर लगने वाले द्वल तक अपने चरम पर था। कौशल राज बृहद्वल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद ये उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी और संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि ये श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले जिसे राम मंदिर कहा जाता था। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्त्री शिलालेख को उजाड़ कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का काम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। तमाम आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावातों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहां मंदिर मौजूद था। अंततः 1527 से 28 में अयोध्या में स्थित भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम जन्मस्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी जो 1992 तक विद्यमान रही। बाबर नामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।